देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि समाज सेवा में चंदा नहीं चांदी है। ये बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोहब्बत और सियासत में जीने मरने की खूब कस्में खाई जाती हैं, लेकिन बारी जब निभाने की आती है तो क्या होता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। फिलहाल मान लेते हैं कि मोहब्बत में वफाएं होती हैं, लेकिन सियासत की जब बात होती है तो कोई भी अफसाना बगैर बेवफाई के मुकम्मल नहीं होता। हम आपको बेवफाई नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि सच्चाई बता रहे हैं। और सच्चाई ये है कि सियासत में कल तक जो लोग यार थे कभी अलगार बन जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी आप ये चार खिड़कियां मेरे आसपास देख रहे हैं, ये चार खिड़कियां दिखाती हैं आया राम गया राम की नई दास्तान। ये 2022 का भारत है, लेकिन आया राम गया राम आज तक मुकम्मल है। गया राम की आपको कहानी बताता हूं। ये दरअसल गया लाल की कहानी है, जिन्होंने एक दिन में चार दफा पार्टी से आए और गए। इन्हीं को लेकर ये मुहावरा गढ़ा गया, जिसको कहा गया कि आया राम गया राम। अब ये सियासत का सबसे पसंदीदा मुहावरा बन चुका है। लेकिन ऐसे में सवाल ये बनता है दर्शकों कि ये लोग जो पार्टियों में आते हैं कभी पार्टियों से जाते हैं, क्या इनके स्क्रिप्ट पर ध्यान दिया है? इनकी स्क्रिप्ट हमेशा एक होती है कि शोषित, वंचित, पिछड़े, बुजुर्ग, महिला, बेरोजगार, मंझले व्यापारी। इनका दुख दर्द देखकर समझकर पार्टी से अलविदा कह गए। आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में चले गए, और अब क्योंकि चुनाव सर पर हैं तो पैर छूने की प्रक्रिया एक बार फिर उसका शुभारंभ हो चुका है। लगातार पैर छू जा रहे हैं, धड़ल्ले से पैर छू जा रहे हैं, गांव गांव खेत खेत कल्याण जाकर पैर छू जा रहे हैं। और पैर छुए ऐसे जा रहे हैं कि अगर कोई गाय बकरी भैंस भी अगर सामने पड़ जाए ना गांव देहात में तो उसके भी पैर छू लिए जाए। तो ये सब कुछ चल रहा है नेताओं के बीच। लेकिन आज मैं खुलकर बात करूंगा, आज खुलकर आपको बताता हूं कि ये सब सियासी ड्रामा है। आज बहुत 1-to-1 इंटेंशन के साथ ये सब सियासी ड्रामा है। नेता जिनको निधि के नाम पर जो पैसा मिलता है ना, एक सांसद की बात करूं 5 करोड़ एक साल, विधायक की बात करूं, इनकी निधि, सांसद निधि, विधायक निधि का जो पैसा है ना, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ चाय नाश्ते के लिए होता है। ये विकास के नाम नहीं आता, विकास के काम नहीं आता, ये सिर्फ चाय नाश्ते के काम आता है। और जो विधायक पैसा लगा रहा है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये नए जमाने का बिजनेस मॉडल है। कहां जनता इसमें रह जाती है? बीच में जनता कहां है जो 5 साल नेता मंत्री बनकर किसी और पार्टी में मजे करते रहे, वो आज एकाएक इधर से उधर जा रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य अब बीजेपी छोड़कर सपा में गए तो मीडिया के लिए ठीक था, उन्होंने कहा कि शोषित, वंचित, पिछड़े, गरीब, दलित, ओबीसी, इनका वहां हित नहीं हुआ इसलिए मैं इस पार्टी में आ गया। लेकिन क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? जब कमरे के अंदर बंद होकर अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य बैठे होंगे तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से यह बात कही होगी कि साहब वहां शोषित, पिछड़े, दलित, वंचित, महिला, इनका सम्मान नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपकी पार्टी में आना चाहता हूं? विश्वास करेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। वहां बात यह हुई होगी, अखिलेश यादव ने कहा होगा ठीक है आप आए हैं, लगेज भी साथ लाए हैं, अब यह बताइए कि वोटरों का क्या भाई, कितना वोट बैंक है, क्या लेकर आए हैं, क्या देंगे पार्टी को, कितने वोटों से जितवा सकते हैं, क्या है आपका अंकगणित? अंकगणित पर बात हुई होगी, वोटों पर बात हुई होगी, वोटरों पर बात हुई होगी, जनाधार पर बात हुई होगी। बात नहीं हुई होगी कि क्या शोषित, क्या वंचित, क्या पिछड़े, क्या बुजुर्ग, इस पर बात नहीं हुई होगी। और इतिहास भी आप जानते हैं, उदित राज बीजेपी के अंदर बैठकर खूब मलाई खाई, बाद में बीजेपी छोड़ी तो आज ये हालात हैं कि कोई जान नहीं रहे। शत्रुघ्न सिन्हा साहब बीजेपी में बैठकर खूब मलाई खाई, अब जब बीजेपी से बाहर है तो हालात यह है कि सियासी तौर पर कोई लोकप्रियता नहीं। ये इतिहास की बात करूं, आज की बात करूं, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब बीजेपी छोड़ दी, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा था, दूसरी तरफ दारा सिंह साहब वो भी बीजेपी छोड़कर अब समाजवादी पार्टी की ओर। ऐसे हरक सिंह रावत साहब के साथ हो गया उल्टा, छत पर गए और पड़ोसी के अंगने में झांक रहे थे, पड़ोसी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे और पड़ोस वाले घर में सीढ़ी भी लगा ली और सीढ़ी लगाकर उस तरफ चढ़ ही रहे थे कि बाजू वाले घर की सीढ़ी गिराने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, सीढ़ी गिरा दी इनकी। अब ये फंस गए, अब आंसू भी दिख रहे हैं, लेकिन इनके आंसू
ट्रेंड बन गए। अब हर कोई नेता यही बात करता है, यही चीजें दिखाता है। इनका जनता मूर्ख है या मैं मूर्ख हूं जो ये बातें आपसे कर रहा हूं? या आप खुद सोचिए, खुद सोचिए कि आपका भला कैसे होगा। ये नेता खुद का भला तो कर रहा है, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए। कल तक वो कहते थे कि बीजेपी ने जो तीन तलाक कानून बनाया है उससे सबसे ज्यादा महिलाओं को फायदा हुआ है, मुस्लिम महिलाओं को। क्या आज ये समाजवादी पार्टी के मंच से खड़े होकर ये बात कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही बहुत सारे बयान हैं पुराने नेताओं के, क्या ये बातें आज कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और मैं तो यूं कहता हूं कि आजकल जो लोग कहते हैं ना कि विचारधारा क्या है, विचारधारा क्या है, कभी इधर कभी उधर, अरे कोई विचारधारा नहीं है साहब, कोई विचारधारा। वो समाजवाद अब कचरे के ढेर में मिलता है जो समाजवाद पहले हुआ करता था। मसलन लोहिया साहब जब बसों में सफर करते थे दिल्ली की डीटीसी की बसों में, जेपी साहब दिल्ली में लटक के बसों में सफर करते थे। अब आप सोच सकते हैं कि आजकल तो एक छुटबैया समाजवादी नेता भी चार फॉर्च्यूनर में घूमता है। किसी भी पार्टी की बात हो, बीजेपी की बात कर लीजिए, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद करती है, लेकिन छोटे छोटे मजले जो इनके नेता हैं, नेता चेला चिंटू, उनके सब फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, सब महंगी महंगी गाड़ी, सब महंगी महंगी गाड़ी। ये कौन सी समाज सेवा है जिसमें इतना ज्यादा मेवा है? ये सवाल मैं कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समाज सेवा के नाम पर ये लोग जो समाज सेवा करते हैं इनकी खुद की सेवा कैसे हो जाती है? समाज सेवा करते करते इस हाथ में पांच अंगूठी, इस हाथ में पांच अंगूठी और गले में ये मोटी सोने की चेन जिससे बकरी बांधी जाती है, इतनी मोटी सोने की चेन पहनते हैं, चार गाड़ी लगते हैं फॉर्च्यूनर, महंगी महंगी गाड़ियां, आगे काफिला पीछे काफिला, पेट्रोल डीजल सब, और चार चेला चिंटू ताली बजाने के लिए और जिंदा बात करने के लिए। तो ये ड्रामा नहीं तो क्या है? क्या है ये सब? अब आप खुद सोचिए क्या है। हम सब खबरें पढ़ते हैं तो कभी कभी सोचते हैं कि क्या स्थिति है, हम क्यों खबरें पढ़ रहे हैं, क्या ये दयनीय स्थिति नहीं? अगर ये दयनीय नहीं है तो फिर क्या दयनीय है कि नेता आपसे जो वादे करते, जो दावे करते, अब वो वक्त आ गया है कि उन्हें कोई परवाह नहीं, सब मूर्ख बनाने में लगे। बेचारी बेबस जनता आज जो कल तक मोटरसाइकिल ले पा रही थी वो आज साइकिल भी ना ले पाए, इतनी गरीब होती जा रही है, दायरा इतना बढ़ता चला जा रहा है। क्या कोरोना काल के दौरान हमने नहीं देखा कि किस तरह से लोग 1700 किलोमीटर तक पैदल गए, साइकिल से गए, किसी ने बाप खो दिया, किसी ने बेटा खो दिया, और ये नेता आज कोरोना के वक्त सियासी भाषण देते, ये मत पहनो, मास्क पहनो, ऐसे मत बाहर जाओ, वैसे मत बाहर जाओ, लाठियां बजती हैं, और ये खुद बिना मास्क घूम रहे हैं, जनता लाठियां खा रही है, जनता पिट रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, ये ढोंग कर रहे हैं। दलितों के साथ हमने खाना खाया, क्या खाना खाया? जो दलित सच में खाता है खाएंगे, दलित भूखे पेट सो जाता है सोएंगे, गरीब निर्धन दलित जूठन खाता है खाएंगे, गरीब निर्धन दलित की स्थिति यह है कि वो बचा कुचा सड़क किनारे फेंका हुआ खाना तक खाता है खाएंगे, सिर्फ ड्रामा का, सिर्फ ड्रामा, सिर्फ ड्रामा, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, सिर्फ ड्रामा। इसके अलावा क्या हो सकता है? ड्रामे के अलावा क्या हो सकता है? सिर्फ ड्रामा। और ये सब खबरें हम पढ़ते हैं और यकीन करिए कि हमको सब पता है, हमको सब पता है, ए टू जेड हमको सब पता है। हमको क्या नहीं पता कि हरक सिंह रावत साहब क्या सोच रहे थे, क्या चाह रहे थे, किस महत्वाकांक्षा में थे? हमको नहीं पता स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या महत्वाकांक्षा है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि आप मूर्ख बन रहे हैं, आपके बात करें। पत्रकारिता हमारा काम है, हम अपनी पत्रकारिता कर, लेकिन आप ये सोचिए कि आप मूर्ख कब तक बनेंगे?
कि नेता जो आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, रात में इस पार्टी में, सुबह उस पार्टी में, आपका नाम लेकर आपको कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं और आप ना तो सरसों का तेल डाल पाएंगे खाने में, ना तो कहीं गाड़ी से एक दूसरी जगह जाएंगे तो रास्ते में 3 बार सोचेंगे कि पेट्रोल खत्म हुआ कि नहीं हुआ, और डलवाएं तो कैसे डलवाएं। नौकरियों का क्या हाल है सबको पता है, बेरोजगारी का क्या हाल है सबको पता है। ये तस्वीर है, असली भारत की तस्वीर है, ये असली उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। लेकिन नेता फॉर्च्यूनर में आएंगे, 4 बातें करेंगे और चले जाएंगे, आज के भारत की तस्वीर है। और दलित वही खाना खाएगा, जूठन खाएगा, निर्धन आज भी भूखा पेट सोएगा, यह हकीकत है। और हम यूं ही आपको खबरें बताते हैं क्योंकि वो खबर बनते हैं और आप उनको खबर बनाते हैं। माफ कीजिएगा, भावुक हो गया हूं, नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस रिपोर्ट को देखिए। सत्रह दिसंबर 2019 विधानसभा उत्तर प्रदेश, विधानसभा भवन में हंगामा हो रहा था। सत्ताधारी और पक्ष के विधायक एक सुर में नारे लगा रहे थे। ताज्जुब ये कि जिसकी पार्टी सत्ता में थी उसी के सैकड़ों विधायक आग बबूला थे। यह हंगामा थमा तो धरना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरना दे रहे थे। पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के हक में यह धरना हो रहा था। योगी सरकार से असंतोष का यह पहला सबूत था। चुनावी ऐलान के साथ ये भड़का। हालांकि ये सिर्फ सत्ता दल के साथ ही नहीं, तमाम पार्टियों में आया राम गया राम मौजूद है। उत्तर प्रदेश में जिन बड़े चेहरों ने पार्टी बदली उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। जितिन प्रसाद, यूपी चुनाव से पहले गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ने उन्हें MLC के साथ कैबिनेट मंत्री बनाया। हरेंद्र मलिक एंड फैमिली, वेस्ट यूपी के दिग्गज जाट नेता हरेंद्र मलिक 2022 के चुनावी ऐलान से पहले ही कांग्रेस छोड़ साइकिल पर सवार हो गए। हरेंद्र मलिक के साथ उनके बेटे पंकज मलिक भी अब सपा का झंडा उठाए हैं। लालजी वर्मा, बसपा से निष्कासित पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। राम अचल राजभर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे राम अचल राजभर पार्टी से बाहर किए जाने के बाद समाजवादी हो गए। हरिशंकर तिवारी, पूर्वांचल के बाहुबली माने जाने वाले और ब्राह्मण चेहरा, पूरे कुनबे के साथ बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम चेहरा माने वाले इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ सपा का दामन थाम लिया। इस फेरिस्त में कादिर राणा, अनु टंडन, सलीम शेरवानी जैसे दिग्गजों का नाम भी शामिल है। अखिलेश यादव की नई सपा में शोभा बढ़ाने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह भी शुमार हैं। लेकिन ये सब कब तक साथ हैं ये कोई नहीं जानता। आजवादी सरकार अगर वापस आई तो सब कुछ ठीक, वरना कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बागियों का हाल बेहाल ही रहा है। खुद को दिग्गज समझने वाले और सरदार मानने वाले नेताओं का सुपड़ा इसी उत्तर प्रदेश में साफ हुआ है। बात ज्यादा पुरानी नहीं, साल 1999 में कल्याण सिंह का भी भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हुआ था। कल्याण सिंह ने इसके बाद नई पार्टी बनाई, इतने में भी मन नहीं भरा तो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मुलायम के साथ भी बात नहीं बनी तो वापस बीजेपी में लौटे, लेकिन बीजेपी में फिर वो तवज्जो नहीं मिल सकी। फिर कल्याण सिंह ने जनक्रांति नाम से एक नई पार्टी बनाई, लेकिन कल्याण सिंह का कल्याण इससे भी नहीं हुआ और आखिर में भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी की और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें राज्यपाल के तौर पर तोहफा दिया। भारतीय जनता पार्टी से राहें जुदा करने वाले कई नेताओं का तो करियर ही तबाह हो गया। केंद्रीय राजनीति की बात करें तो बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, उदित राज जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी से राहें जुदा करने के बाद सिर्फ घाटे में रहे।
शायद यही रिकॉर्ड बीजेपी के बड़े नेताओं को ऐसे बयान देने की छूट देते हैं। जा रहा है जिसके लिए हम लोग ने कहा टिकट यहाँ पे नहीं लड़ पाओगे, आप हार जाओगे, दूसरी सीट ढूंढ लो फिर बता दो। इस प्रकार से जो लोग हैं या जिनका एकदम ही टिकट कट रहा था वो भी एक कैटेगरी है, बड़ी संख्या है उसमें। 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। जिन लोगों ने भी पार्टी छोड़ी है उन लोगों को निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा, उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है। ये एक सियासी सच है कि पलटूराम कहे जाने से किसी को कोई दुख नहीं, बस सत्ता का सुख साथ में मिलता रहे। लेकिन इस बार बागियों की तकदीर में क्या लिखा है ये नतीजे 10 मार्च को तय कर देंगे। मनमाफिक नतीजे आए तो बागियों की बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर मन मार कर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। रिपोर्ट इसलिए दिखाई ताकि आप समझ सकें कि क्या गुणा है, क्या अंक है, क्या भाग है, क्या गणित है, क्या नेता है और क्या नेता करना चाहते हैं। पहले खाई मलाई, ये क्या जानेंगे पीर पराई, ये क्या जानेंगे। ये नेता बातें करते हैं 24 और जमीन पर नहीं दिखाते 4, ये सच्चाई है। और आपको यूं ही मैं बेवकूफ बनाएंगे, आपका ही नाम लेते हैं। मुश्किल ये है कि आपका नाम लेते हैं और आप जब तक पैर छुलवाना बंद नहीं करेंगे, जब तक यूं ही आप खच्चर बनते रहेंगे। ये नेता जो पैर छू रहे हैं ना आपके, कभी आईएएस को देखा है किसी आईएएस पीसीएस को कि आपके बुजुर्ग के पैर छुड़ाओ, कोई उसका चपरासी बाहर गेट पे तैनात हो, अब उससे बुजुर्ग हो वो आईएएस पीसीएस सुबह शाम आते जाते पैर छुए, नहीं छुएगा। वरिष्ठ पत्रकार को देखा, नहीं छूता। ये नेता इसलिए छूते हैं कि उनकी इनकी एग्जिस्टेंस आपसे है, और एक बार फायदा निकल जाता है तो आपके पैर छूना तो दूर, आपके पैर पकड़कर आपको उल्टा ना गिरा दे तो नाम बदल देना। आज का कार्यक्रम हकीकत पर आधारित है, बिल्कुल हकीकत पर आधारित है, बिल्कुल। और मुकदमा हो जाए तो सही, केस लिख जाए तो सही, मैं इस पर भी सीधे बोल देता हूं आज, क्योंकि आज मैं जनता से सीधे संवाद कर रहा हूं, मैं इस पर भी बोल देता हूं। चुनाव आयोग जो बातें करता है क्या उन पर सच में अमल करता है? नेता नुक्कड़ सभा नहीं कर सकते, ये नहीं कर रहे क्या साहब? सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब दिख रहा है, तस्वीरें वायरल हो रही, कुछ नहीं होता। 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, मजाक है तो क्या है ये 40 लाख? अरे भैया 4 करोड़ रुपया बहाया जा रहा है, 40 करोड़ रुपया गाड़ियों में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? 40 करोड़ लगाएंगे तब 400 करोड़ पाएंगे। और जनता तुम्हें नमस्कार, तुम खूब ताली बजाओ, खूब जिंदाबाद जिंदाबाद, और अपना घर यूं ही बर्बाद होते देखते रहिए। आज के लिए शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करता हूं, धन्यवाद। देखिए भारत @9 कावेंद्र चौहान के साथ।